हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लुकमान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी विद अंडा कॉम्बिनेशन फ्राई। हमें इसको पुलका चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी रहता है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। मैंने स्टोव पे पैन रख लिया है और उसमें मैं डाल ले रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के आयल। आयल को गर्म होने दें। मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ कट करके रखे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज को कट कर लिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे कट करके रखे हुए 2 हरी मिर्च। डाल के इसको मीडियम फ्लेम में प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होए तक इसको भून लें। मैंने प्याज को 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में भून लिया है और उसमें मैं डाल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। अब हम उसमें ऐड करेंगे कट करके रखा हुआ 1 बड़ा साइज आलू। डाल के हमें इसको प्याज के साथ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लें। ये देखिए आलू का कलर जो है हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अब हम उसमें ऐड करेंगे कट करके रखा हुआ गोभी। मैंने एक मीडियम साइज गोभी को लेके इस तरह मीडियम पीसेस में कट कर लिया। उसको ऐड करें। गोभी और आलू को अच्छे से मिक्स करें। हमें इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम में 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लें। बाद में हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। दो टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। डाल के इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे हम लिड कवर करके 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लें। मैंने लिड कवर करके पका लिया है। गोभी हमारा थोड़ा से पकने लगी है। बिना लिड कवर किए हमें इसको चलाते हुए भून लें। मैं आपके साथ बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। ये देखिए गोभी हमारा अच्छे से गल गई है। अब हम आखिर में ऐड करेंगे एग। तो इसके लिए मैंने बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लिया और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 eggs। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। पहले से हमें एग्स को अच्छे से मिक्स कर लें वीडियो में दिखाए जैसे। बाद में हम इसको सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। हमें इसको मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक भून लें। आलू गोभी विद अंडा कॉम्बिनेशन फ्राई हमारा तैयार हो गया है। आखिर में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।